क्वेश्चन है, ए सॉलिड स्फीयर एंड ए होलो स्फीयर बोथ ऑफ सेम रेडियस एंड सेम मास रोल डाउन फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लीपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द सेम हाइट h. द टाइम टेकन टू रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज, टाइम टेकन किसका ज्यादा होगा ये हमें बताना है. तो मोर फॉर जो टाइम होगा वो किसको ज्यादा लगेगा, मोर फॉर होलोस्फीयर. होलोस्फीयर को टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, बिकॉज इसमें फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है. तो फ्रिक्शन क्या होता है हमारे पास होलोस्फीयर के लिए, फ्रिक्शन क्या होता है 2/5 F होता है, और सॉलिड की ये किसके लिए है, होलो के लिए. तो ये ज्यादा हो गया. और सॉलिड के लिए अगर अगर देखें तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है 2/7 F, तो कम हो गया. तो फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर देखें तो हमारे पास क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन पे अगर एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है हमारे पास जी साइन थीटा माइनस न्यू जी कोस थीटा. तो फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है. तो जिसका फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा, वो क्या होगा, जल्दी पहुंच जाएगा. और जिसका फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा उसको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा. तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, होलोस्फीयर का ज्यादा है, इसलिए टाइम उसको क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा देन सॉलिड स्फीयर. तो सॉलिड स्फीयर पहले पहुंच जाएगा देन होलोस्फीयर, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होगा इंक्लाइन पे, जी साइन थीटा माइनस न्यू जी कोस थीटा. तो फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, होलोस्फीयर को ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ज्यादा. दिस इज द क्वेश्चन.